हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल या लिपिड टेस्ट क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इसकी नॉर्मल रेंज कितनी रहती है और क्या यूनिट्स रहती हैं। एक बार लिपिड टेस्ट करने के बाद में दोबारा कब रिपीट करना है। लिपिड टेस्ट करने के लिए आपको फास्टिंग की ज़रूरत है या नॉन फास्टिंग कंडीशन में भी कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट और लिपिड टेस्ट एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितनी है ये मेजर किया जाता है। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपकी आर्टरीज में और ब्लड वेसल्स में जो प्लाक है या फैटी डिपोजिशन की कितनी रिस्क रहती है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यदि ये ब्लड में ज़्यादा मात्रा में भी होगा तो इसके कोई साइन सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन यदि ये ब्लड में लगातार ज़्यादा बना रहेगा तो धीरे धीरे ये ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लग जाएगा और आगे चल के हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की रिस्क को बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड को मेजर किया जाता है। अब यह है कि ये टेस्ट किसको करवाना है और कब करवाना है, तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो ये कहते हैं कि आपको 9 साल से 11 साल के बीच में एक बार ये टेस्ट करवा लेना चाहिए और उसके बाद में हर 5 साल के बाद में एक बार रिपीट कर सकते हैं। यदि आप मेल हैं और आपकी एज 45 से 65 के बीच में है और यदि फीमेल हैं और आपकी एज 55 से 65 के बीच में है तो आपको हर 1 से 2 साल के बीच में यह टेस्ट करवाना चाहिए। यदि आपकी एज 65 साल से ऊपर है तो आपको हर साल यह टेस्ट करवाना चाहिए। कुछ कंडीशन रहती हैं जिसमें आपको यह टेस्ट मोर फ्रिक्वेंटली करवाना रहता है, यानी ज़्यादा बार करवाना रह सकता है, तो वो कंडीशन क्या क्या है। यदि शुरू में आपकी टेस्ट वैल्यू ज़्यादा आती है या आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या फिर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिंस ले रहे हैं या कुछ कंडीशन रहती हैं जिसमें आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज की ज़्यादा रिस्क है, तो उस कंडीशन में भी आपको ज़्यादा बार करवाना पड़ सकता है। जैसे कि आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपका वेट बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो इन सब कंडीशन में आपको मोर फ्रिक्वेंट भी करवाना पड़ सकता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन चलती है उनको भी बार बार करवाना पड़ता है। एक बार मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद में आप रिपीट टेस्ट 1 महीने से 3 महीने के बीच में करवा सकते हैं। नई स्टडी के अनुसार आपको कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाने के लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आप नॉन फास्टिंग कंडीशन में भी ये टेस्ट करवा सकते हैं और ये पेशेंट्स के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहता है। नॉन फास्टिंग स्टेट में आपका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL पे कोई ज़्यादा असर नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने हैवी डाइट ली हुई है और फिर करवाते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड या LDL थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। यदि नॉन फास्टिंग कंडीशन में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है तो फिर रिपीट टेस्ट आप फास्टिंग कंडीशन में कर सकते हैं। आइए अब कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। US, इंडिया एंड मोस्ट ऑफ एशियन कंट्री में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट को मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मेज़र करते हैं, जबकि कनाडा और मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको मिलीमोल पर लीटर में मेज़र करते हैं। बिलो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और बिलो 5.1 मिलीमोल पर लीटर ये नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। यदि 200 से 239 है या फिर 5.1 से 6.1 है तो उसको बॉर्डरलाइन हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अबोव या 6.18 मिलीमोल पर लीटर से अबोव है तो उसको हाई माना जाता है। इन यूनिट से पता चलता है कि 1 मिलीमोल पर लीटर नियरली 39 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के इक्विवेलेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। बिलो 150 और 1.7 मिलीमोल पर लीटर इज नॉर्मल। यदि 150 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और 1.7 से 2.2 मिलीमोल पर लीटर है तो उसको बॉर्डरलाइन हाई बोलते हैं। यदि ट्राइग्लिसराइड 200 से 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या फिर 2.3 से 5.6 मिलीमोल पर लीटर है तो उसको हाई बोलते हैं। यदि ट्राइग्लिसराइड मोर देन 500 और मोर देन 5.6 मिलीमोल पर लीटर है तो उसको वेरी हाई बोलते हैं। सो 1 मिलीमोल पर लीटर ट्राइग्लिसराइड इज इक्वल टू 88 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट बात करते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल की। यदि मेन में बिलो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और बिलो 1 मिलीमोल पर लीटर हो और फीमेल में यदि बिलो 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और बिलो 1.3 मिलीमोल पर लीटर हो तो उसको लो HDL बोलते हैं। यदि HDL 40 टू 59 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 1 टू 1.5 मिलीमोल पर लीटर
के बीच में हो मेन में, तो उसको नॉर्मल मानते हैं, ठीक मानते हैं। और यदि फीमेल में 59 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 1.32-1.5 मिलीमोल पर लीटर हो तो उसको ठीक मानते हैं। यदि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मोर देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मोर देन 1.5 मिलीमोल पर लीटर हो मेन और फीमेल दोनों में, तो ये अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की। यदि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बिलो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो या फिर बिलो 1.8 मिलीमोल पर लीटर हो, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको हार्ट अटैक की दिक्कत है, जिसको एंजाइना रहता है, जिसके स्टंट लगाए हैं या बाईपास सर्जरी करी है, तो उन सब कंडीशन में अपना टारगेट रहना चाहिए बिलो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यदि जो पीपल जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की रिस्क है या जिनको डायबिटीज़ है, उनका कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए बिलो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और बिलो 2.6 मिलीमोल पर लीटर। यदि आपका एलडीएल 100 से 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या फिर 2.6 से 3.3 मिलीमोल पर लीटर है, तो ये आपका नियर ऑप्टिमल है, यानी ठीक है यदि आपको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की रिस्क नहीं है। लेकिन यदि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उस कंडीशन में ये हाई माना जाता है। यदि आपका एलडीएल 130 से 159 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 3.4 से 4.1 मिलीमोल पर लीटर के बीच में है, तो ये बॉर्डर लाइन हाई है यदि कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है तो, और यदि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो ये हाई माना जाता है। यदि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 से 189 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या फिर 4.1 से 4.9 मिलीमोल पर लीटर है, तो ये हाई माना जाएगा यदि आपको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है, लेकिन वेरी हाई माना जाएगा यदि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो। और यदि आपका एलडीएल मोर देन 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या फिर 4.9 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है, तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाने के बाद में, या यदि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है, तो आप घबराएं नहीं। आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपना डाइट मॉडिफिकेशन करें, डेली एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग को क्विट करें, एल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद कर दें, और कंटिन्यू ये सब आप करते रहें, और 3 महीने बाद में अपना रिपीट टेस्ट करवा के देखें। यदि फिर भी आपका टेस्ट ज़्यादा आ रही है, आपकी रिपोर्ट्स में वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो कुछ मेडिसिन हैं जिनकी हेल्प से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है।